हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कपिल और स्वागत है आप सभी का फॉर आपकी सक्सेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में अभी हम लोग देखने वाले हैं आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चन को, जो आपके आने वाले एग्जाम में करंट अफेयर्स के सेक्शन में यहां से ये सभी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए आप इन्हें याद कर लीजिएगा। ठीक है, आप इस वीडियो का फ्री पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या तो फिर आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से भी फ्री में आसानी से इसका पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और पहला क्वेश्चन है, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 का खिताब किसने जीता? तो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 का खिताब इंग्लैंड ने जीता है। किसे हराकर? न्यूजीलैंड को हराकर जीता है। देखिए, इसका फाइनल मैच बहुत ही रोमांचक रहा। इसमें हुआ क्या कि न्यूजीलैंड की टीम ने मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवरों में 8 विकेट पर 241 रन बनाया। ठीक है, जिसके जवाब में इंग्लैंड की टीम जो थी वह भी निर्धारित 50 ओवरों में 9 विकेट पर 241 रन ही बना सकी। यानी मैच क्या हो गया? टाई हो गया, जिसके बाद सुपर ओवर का सहारा लिया गया, यानी सुपर ओवर कराया गया। यह जो होता है सुपर ओवर, एक ओवर में 6 गेंद का होता है। ठीक है, एक ओवर अर्थात 6 गेंद का होता है सुपर ओवर। तो इंग्लैंड की टीम ने सुपर ओवर में 15 रन स्कोर किए, उसके बाद न्यूजीलैंड की टीम ने भी 6 गेंद में 15 रन ही बना पाए, और इस तरह क्या हुआ कि सुपर ओवर भी टाई हो गया। लेकिन बाउंड्री काउंट के आधार पर इंग्लैंड की टीम ने इस फाइनल मैच को जीत लिया। यानी इसमें एक रूल था कि अगर मैच टाई हो जाता है तो फिर सुपर ओवर कराया जाएगा, और यदि सुपर ओवर भी टाई हो जाता है तो ऐसी स्थिति में जिस टीम ने इस इनिंग में यानी फाइनल में सबसे अधिक बाउंड्री लगाई हो वही फाइनल मैच जीतेगा। और इसी आधार पर इंग्लैंड ने आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 का खिताब जीत लिया। किसे हराकर? न्यूजीलैंड को हराकर। इंग्लैंड ने फाइनल मैच में कुल कितने बाउंड्री लगाए थे, कुल कितने चौके लगाए थे? तो कुल 24 चौके लगाए थे, और वहीं न्यूजीलैंड ने मात्र 16 चौके लगाए थे। ठीक है, तो इसी बाउंड्री के सबसे अधिक बाउंड्री था इंग्लैंड का, इसलिए इसने आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 का खिताब जीत लिया। और यह जो है इंग्लैंड जो है वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप पहली बार जीता है। ठीक है, और एक बात और कि ऐसा पहली बार हुआ है कि वनडे विश्व कप के फाइनल में सुपर ओवर कराया गया हो, तो आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 के फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच किसे मिला? तो वह मिला है इंग्लैंड के खिलाड़ी बेन स्टोक्स को। ठीक है, और देखिए, यानी कि मैन ऑफ द मैच किसे मिला? बेन स्टोक्स को मिला है, जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। इन्होंने 50 ओवर में कुल 84 रन बनाए थे, और सुपर ओवर में इन्होंने 8 रन बनाए थे। यानी कुल इन्होंने टोटल जो है 92 रन बनाए थे फाइनल मैच में एक पारी में। ठीक है, 92 रन बनाए थे, इसलिए इन्हें जो है बेन स्टोक्स को मैन ऑफ द मैच का खिताब मिला। ठीक है, इन्होंने नाबाद पारी खेली 92 रन की। अगला प्रश्न है, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? तो आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने जीता है। ठीक है, केन विलियमसन को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब मिला है। अगला प्रश्न है, किसी एक विश्व कप में सर्वाधिक रन बनाने वाले कप्तान कौन बने हैं? तो वह बने हैं न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन। ठीक है, ये किसी एक विश्व कप में सर्वाधिक रन बनाने वाले विश्व के पहले कप्तान बन गए हैं। इन्होंने क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में कुल 578 रन बनाए। ठीक है, 578 रन बनाए, 578 रन। और इसी के साथ विलियमसन इस तरह एक विश्व कप में सर्वाधिक रन बनाने वाले विश्व के पहले कप्तान बने। अगला प्रश्न है, आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 में गोल्डन बैट का खिताब किसने जीता? देखिए, जो पूरे टूर्नामेंट में सबसे अधिक रन बनाता है उसे गोल्डन बैट का खिताब दिया जाता है, और आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में गोल्डन बैट का खिताब जीता है भारतीय उपकप्तान रोहित शर्मा ने। ठीक है, यानी कि गोल्डन बैट का खिताब किसे दिया गया? रोहित शर्मा को दिया गया है। इन्होंने 9 मैचों में कुल 648 रन बनाए थे, 648 रन। ठीक है, 648 रन बनाए थे, जो इस पूरे टूर्नामेंट में सबसे अधिक रन है, इसलिए रोहित शर्मा को ही गोल्डन बैट का अवार्ड दिया गया, खिताब दिया गया। अगला प्रश्न है, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में किसे गोल्डन बॉल का अवार्ड दिया गया? तो ये गोल्डन बॉल का अवार्ड किसे दिया जाता है? तो जो भी पूरे टूर्नामेंट में सबसे अधिक विकेट लेता है उसे ही गोल्डन बॉल का अवार्ड दिया जाता है। और इस आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में सबसे अधिक विकेट लिया है ऑस्ट्रेलिया के मिशेल स्टार्क ने। यानी कि गोल्डन बॉल का खिताब किसे दिया गया? तो मिशेल स्टार्क को मिला है।
इन्होंने जो है पूरे टूर्नामेंट में कुल 27 विकेट लिए थे, ठीक है, 27 विकेट लिए थे। तो मिशेल स्टार्क को गोल्डन बॉल का अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न है, वनडे में एक पारी में सबसे ज़्यादा छक्के जड़ने का नया रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो वनडे में एक पारी में सबसे ज़्यादा छक्के जड़ने का नया रिकॉर्ड इंग्लैंड के कप्तान इयोन मॉर्गन ने बनाया है। इसी वर्ल्ड कप में इन्होंने यह रिकॉर्ड बनाया, इन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ 17 छक्के लगाए थे। कितने? 17 छक्के लगाए थे। वनडे में एक पारी में सबसे ज़्यादा छक्के जड़ने का ये नया रिकॉर्ड है, सॉरी 17 छक्के, ठीक है, 17 छक्के लगाए थे। अगला प्रश्न है, क्रिकेट विश्व कप 2019 में सबसे ज़्यादा छक्के किसने लगाए हैं? तो क्रिकेट विश्व कप 2019 में सबसे ज़्यादा छक्के यह भी इंग्लैंड के कप्तान इयोन मॉर्गन ने ही लगाए हैं। इन्होंने कुल कितने छक्के लगाए? तो इन्होंने पूरे टूर्नामेंट में कुल 22 छक्के लगाए थे। अच्छा, सबसे ज़्यादा चौके किसने लगाए इस वर्ल्ड कप में? तो रोहित शर्मा जो हैं भारतीय उप कप्तान, तो इन्होंने सबसे ज़्यादा चौके लगाए थे। कितने चौके? 67 चौके लगाए इन्होंने, तो आप इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में सबसे ज़्यादा शतक किसने लगाया? तो क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में सबसे ज़्यादा शतक भारतीय उप कप्तान रोहित शर्मा ने लगाए हैं। कुल कितने शतक लगाए इन्होंने? तो कुल 5 शतक लगाए। और यह जो रोहित शर्मा हैं, इनका एक वर्ल्ड कप में 5 शतक लगाने वाले ये दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। और इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा? तो कुमार संगकारा का रिकॉर्ड तोड़ा है। संगकारा ने 2015 के वर्ल्ड कप में 4 शतक लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जिसे अब रोहित शर्मा ने तोड़ दिया है 5 शतक लगाकर। अगला प्रश्न है, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? तो क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 का आयोजन इंग्लैंड एवं वेल्स में किया गया था। अच्छा, यह जो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ 2019 का, यह कौन सा संस्करण था, कौन सा एडिशन था? तो यह 12वां संस्करण था, ठीक है, तो आप इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 का फाइनल मैच कहाँ खेला गया? तो क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 का फाइनल मैच कहाँ पे खेला गया? तो यह खेला गया लॉर्ड्स मैदान में, ठीक है, लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया यह इंग्लैंड में। और किसके किसके बीच खेला गया फाइनल मैच? तो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया। और इस फाइनल मैच को किसने जीता? इंग्लैंड ने जीता, न्यूजीलैंड को हराकर, और पहली बार जीता इसने। अगला प्रश्न है, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 के विजेता इंग्लैंड को कितने करोड़ रुपये मिले? देखिए, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 के विजेता टीम को यानी इंग्लैंड को 28 करोड़ रुपये इनाम के रूप में मिले हैं। उपविजेता टीम यानी न्यूजीलैंड को कितना मिला? तो उन्हें 14 करोड़ रुपया मिला, ठीक है। और सेमीफाइनल में हारे भारत और ऑस्ट्रेलिया को कितना मिला? तो इन दोनों को 5.5 करोड़ रुपया मिला। अगला प्रश्न है, आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता है आईसीसी का फुल फॉर्म। और क्रिकेट विश्व कप जो है इसका आयोजन कौन सी संस्था करती है? तो वह आईसीसी ही करती है। आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? 1909 में हुई थी, ठीक है, 1909 ईस्वी में हुई थी। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, कहाँ पे है? दुबई में है। और दुबई कहाँ है? संयुक्त अरब अमीरात में है। अगला प्रश्न है, क्रिकेट वर्ल्ड कप का पहला संस्करण कब खेला गया था? तो क्रिकेट वर्ल्ड कप का पहला संस्करण 1975 ईस्वी में खेला गया था। और पहला वर्ल्ड कप किसने जीता था? तो वेस्ट इंडीज ने जीता था। किसे हराकर? इंग्लैंड को हराकर जीता था। अगला प्रश्न है, भारत अब तक कुल कितनी बार क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? तो भारत अभी तक मात्र 2 बार क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। कब कब जीता है? 1983 में और 2011 में जीता है, ठीक है, 1983 में पहली बार और दूसरी बार लास्ट टाइम 2011 में जीता था भारत। देखिए, अब तक क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब सबसे अधिक बार किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, ठीक है, कुल 5 बार। कब कब? 1987 में, 1999 में, 2003 में, 2007 में और लास्ट टाइम 2015 में ऑस्ट्रेलिया ने ही जीता था। यानी ऑस्ट्रेलिया अब तक क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब सबसे अधिक बार जीता है, 5 बार। वेस्ट इंडीज 2 बार जीता है, 1975 में और 1979 में। भारत भी 2 बार जीता है, 1983 में और 2011 में। पाकिस्तान और श्रीलंका एक एक बार जीता है। पाकिस्तान जीता था 1992 में और श्रीलंका 1996 में जीता था। और इस बार का 2019 का खिताब किसने जीता है? तो इंग्लैंड ने जीता है, न्यूजीलैंड को हराकर। अगला प्रश्न है, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में कितने टीमों ने भाग लिया था? तो इस बार के क्रिकेट वर्ल्ड कप में कुल 10 टीमों ने भाग लिया था। वे कौन कौन हैं?
भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन अपना देश भारत में किया जाएगा, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, इस बार कहाँ किया गया था, यानी 2019 का क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो इंग्लैंड एवं वेल्स में किया गया था। और 2015 में कहाँ किया गया था? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में किया गया था। तो आप इसे भी याद रखेगा कि पिछली बार कहाँ पे किया गया था, 2015 का क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में किया गया था। देखिए, यह जो है क्रिकेट वर्ल्ड कप, ये प्रत्येक 4 वर्ष पर होता है। ठीक है, और 2015 का विजेता कौन था? तो ऑस्ट्रेलिया था, न्यूजीलैंड को हराया था फाइनल में। अगला प्रश्न है, आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष हैं, वर्तमान चेयरमैन हैं, वह हैं शशांक मनोहर। ठीक है, और ये जो है मनु साहनी, ये कौन है? तो ये आईसीसी के सीईओ हैं। ठीक है, सीईओ हैं आईसीसी के मनु साहनी, और वर्तमान अध्यक्ष हैं शशांक मनोहर। अगला प्रश्न है, बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो सबसे पहले जानते हैं कि बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। यह जो है बीसीसीआई एक बोर्ड है जो कि भारत में क्रिकेट संबंधी सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? 1928 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 1928 ईस्वी में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है बीसीसीआई का? तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान में बीसीसीआई के चेयरमैन कौन है, अध्यक्ष कौन है? तो वह है सी के खन्ना। ठीक है, और ये जो है राहुल जोहरी, ये वर्तमान में बीसीसीआई के सीईओ हैं। अगला प्रश्न है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? तो क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली थे। ठीक है, और उप कप्तान कौन थे? तो वह थे रोहित शर्मा। यह भी याद रखिएगा कि भारतीय टीम के वर्तमान कोच कौन है, तो वह है रवि शास्त्री। ठीक है, अंत में आपके लिए क्वेश्चन है, किस स्टेडियम को क्रिकेट के मक्का के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और देखिए, अगर आप इस वीडियो का क्विज खेलना चाहते हैं तो गूगल पर जाइए और वहाँ पर सर्च कीजिए www.foraapkisuccess.in। वहाँ पे ऊपर में आपको एक लिंक दिखेगा इस टाइप से फर्स्ट में। ठीक है, तो इसे ओपन कीजिए और वहाँ से इस वीडियो का क्विज प्ले कीजिए। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक तथा शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।